कल दोपहर ब्लूटूथ ने दो बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ब्लूटूथ इनको अपना बच्चा नहीं समझ रही थी। उसने टाइम से पहले ही बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन उनमें से एक बच्चा तो जन्म लेते ही मर गया बेचारा। देखो कैसा था ये देखने में, चूहे जैसा बिल्कुल। फिर मैंने इसको रिवाइव करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये मर ही गया। फिर मैं इसके बच्चे इसके पास रखकर बाहर चला गया। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को होते टाइम डॉग्स के पास नहीं रहना चाहिए। फिर मैं इसके पास बहुत देर बाद आया तो देखा इसने एक बेबी को और जन्म दिया है। फिर एक बेबी भूख की वजह से रो रहा था, तो मैंने उसको दूध पिलाने की कोशिश की तो इसने मुझे बहुत जोर से हाथ पर काट लिया। फिर मैं इसको शाम को देखने आया तो दो बच्चे जिंदा थे, दो मर गए थे। देखो इनको दूध नहीं पिला रही है, इनको अपना बच्चा नहीं समझ रही है। फिर मम्मी ने इसको हलवा बना कर दिया। फिर हमने इसको बहुत ट्राई किया कि इसके मुंह पर कुछ लगाकर इसके बच्चों को इसका दूध पिला दे, लेकिन इसने सब तोड़ दिया। फिर एक भैया भी बच्चे देखने आए तो इसने उनके पैर में भी काट लिया। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया कि पपी अपने आप दूध पीने लगेंगे, आप इनको इसके पास अकेला छोड़ दो। फिर मैंने रात में ऐसे नीचे गद्दा लगाकर चारों तरफ ही ऐसे सब लगा दिया ताकि बच्चे इसके पास ही रहे और ये इनको दूध पिला दे।